F.W. Taylor, known as the father of scientific management, F.W. Taylor जो है वो scientific management के father माने जाते हैं. उन्होंने कहा जो है वो काफ़ी ज़्यादा important principles जो है scientific management के वो उन्होंने describe करे. उनका काफ़ी सारे contribution है जो management के उनको father इसी कारण उनको कहा जाता है, उनके इतने का सारे contributions के कारण. और उन्होंने डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम जो है उसको उन्होंने डिफाइन करा है. साइंटिफिक मैनेजमेंट के उन्होंने थ्योरी जो है उन्होंने डेवलप करी है. तो यही कारण है कि उन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है. अब उस साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पर भी आप कोई डिसीजन ले रहे हैं, अगर सिंपल शब्दों में कहें कि अगर कोई भी डिसीजन अगर लिया जा रहा है मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो उसमें एप्लीकेशन होना चाहिए साइंस का. हर चीज़ जो है, हर डिसीजन जो लिया जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं जो है वो एप्लीकेशन ऑफ साइंस होना चाहिए. मतलब कहीं ना कहीं कॉज और इफेक्ट के रिलेशनशिप को डिफाइन करना चाहिए कि अगर ऐसा किया जा रहा है तो उसका इफेक्ट क्या आएगा और उसका कॉज क्या है, ताकि आप जो है वो डिसीजन जो है वो अपने व्हिम्स या अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर ना लेकर उसको रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स के बेस पर, ऑब्जर्वेशन के बेस पर लें, और उसके रिजल्ट्स जो होंगे वो आप जो चाहेंगे वैसे रिजल्ट्स आपको मिलने चाहिए, डिजायर्ड रिजल्ट्स आपको मिल सके. तो डेफिनेशन साइंटिफिक मैनेजमेंट की दे रखी है, नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट व्हेन टू डू एंड सीइंग दैट डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे. साइंटिफिक मैनेजमेंट मतलब ये देखना कि आप क्या अपने लोगों से करवाना चाहते हैं, व्हाट यू वांट मेन टू डू एंड सीइंग, और ये भी देखना कि आप जो करवा रहे हैं वो उस काम को, आपके जो वर्कर हैं वो सही तरीके से उस काम को कर पाए, और चीपेस्ट वे हो, सस्ते वे में हो, और कम से कम उसमें पैसा खर्च हो या रिसोर्सेस कम से कम खर्च हो. साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो उसमें पहला जो दे रखा है वो दे रखा है साइंटिफिक साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. यहाँ पर रूल ऑफ थंब का मतलब ये होता है कि डिक्टेटरशिप है. इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप कहीं पर कोई व्यक्ति है जो है वो मैनेजर था किसी ऑर्गेनाइजेशन में, और वहाँ पर उसने देखा है कि किसी काम को वर्कर जो है वो वर्कर उसको देख कह सकते हैं कि वो वर्कर जो है वो काफ़ी समय से वहाँ काम कर रहा है और वो स्पेशलाइज है उस काम को, और उस एक यूनिट को बनाने में, या मान लीजिए कि उसको 100 यूनिट बनाने में 8 घंटे लगते हैं. तो ये जो है उस वर्कर को देखते हुए उस मैनेजर का एक्सपीरियंस है, पास्ट एक्सपीरियंस है. अब वही मैनेजर किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में शिफ्ट हो गया है, तो वो अपने साथ वो पास्ट एक्सपीरियंस कैरी करके गया है, वो ट्रांसफर का मान लीजिए उसने नई जॉब ज्वाइन करी है, तो उसका पास्ट एक्सपीरियंस ये कहता है कि वैसा का वैसा सेम मटेरियल अगर वो यूज करें और वर्कर यूज करें तो 8 घंटे में वो काम हो जाना चाहिए. मगर जरूरी नहीं है कि वो पास एक्सपीरियंस या पास जो भी उसकी उसने जो वहाँ देखा है वो सेम तरीके से वहाँ नई ऑपरेशन में इंप्लीमेंट हो जाए. हो सकता है कि टेक्नोलॉजी अगर अलग हो सकता है कि मैं जो वर्कर है वो नया हो, या कुछ भी और कंडीशंस इसमें हो सकती है. तो इसलिए यहाँ पर उन्होंने कहा है, जो टेलर है उन्होंने ये कहा है कि कभी भी कोई भी डिसीजन अगर जो लिया जा रहा है वो अपने पास एक्सपीरियंस के बेस पर ना हो, उसमें वहां पर आप कहीं ना कहीं साइंस का यूज करें और उसके बेस पर आप डिसीजन लें. ईच जॉब परफॉर्म इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक इंक्वायरी एंड नॉट ऑन इंस्टीट्यूशन एक्सपीरियंस एंड हिट एंड मिस मेथड. मतलब वही है कि आप बार बार उस वर्क को कुछ लोगों से या कुछ वर्कर्स से बार बार ट्राई करके देखें. जब वर्कर अगर आपको सेम हर बार सेम रिजल्ट आपको मिल रहा है, कि मान लीजिए कुछ वर्कर ने जो है वो जो काम था वो 100 यूनिट जो है वो 9 घंटे में बना दी, कुछ ने जो है वो 7 घंटे में बना दी, और कुछ ने जो है वो 8 आवर में बना दी, तो फिर आप उसके बेस पर एक एवरेज निकाल सकते हैं कि इस काम को करने का जो एवरेज वर्क रहेगा वो 8 आवर्स का रहेगा. तो ये जो है वो यहाँ पर इस प्रिंसिपल में कहा गया है, साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में, कि कोई भी अगर आप डिसीजन ले रहे हैं तो पहले ऑब्जर्वेशन करिए, उसको साइंटिफिकली इंप्लीमेंट करिए, रिपीट करिए, और फिर उसके बाद देखिए कि उसका स्टैंडर्ड टाइम क्या निकलेगा, और स्टैंडर्ड टाइम के बेस पर ही आप उसको इम्प्लीमेंट करिए, कहीं पर भी अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को यूज ना करें. अब उसके बाद आता है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड. बेसिकली हम अगर देखें, हमने पढ़ा हुआ है, एक टॉप लेवल होता है, एक मिडिल लेवल होता है, और एक लोअर लेवल होता है. खास तौर पर अगर देखा जाए तो एक ग्रुप जो होता है वो वर्कर का ग्रुप होता है, और एक जो होता है वो मैनेजमेंट का ग्रुप होता है. मैनेजमेंट का हमेशा सोच ही बनी रहती है, जनरली ये डेवलप होती ही होती है सोच, कि वर्कर जो है वो कामचोर है या वो काम नहीं करना चाहते, और नीचे जो वर्कर होते हैं उनकी सोच होती है कि मैनेजमेंट जो है वो उसने हमको ज़्यादा काम सौंप रखा है और हमको जो है उसके लिए वो पेमेंट प्रॉपर नहीं कर रहा. तो दोनों की सोच जो है वो एक दूसरे के अगेंस्ट है,
सबसे पहले तो इस सोच को बदलने की जरूरत होती है, क्योंकि दोनों का जो मेन टारगेट होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक डायरेक्शन में जाए, और अगर ऑर्गेनाइजेशन एक डायरेक्शन में जाएगी यानी दोनों के लिए सोच, दोनों मिलकर अगर काम करेंगे और एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल होगा। तो यहीं पर यह सोच बदलने की जरूरत होती है, और इस सोच को बदलने के लिए एक टर्म यहाँ पर यूज की गई है जिसे मेंटल रिवॉल्यूशन कहते हैं। मेंटल रिवॉल्यूशन का मतलब यही होता है कि टॉप मैनेजमेंट जो है वो हमेशा वर्कर को सपोर्ट करे और ये समझे उनकी भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, जिन प्रॉब्लम को जेन्युइन प्रॉब्लम हो सकती है जिनको आपको समझने की जरूरत है, उनके लिए सॉल्यूशन ढूंढने की जरूरत है। उसी तरीके से वर्कर भी जो है वो मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स को समझकर और ये समझे कि मैनेजमेंट उनके लिए हमेशा अच्छे के लिए काम करेगा, दोनों का अगर एटीट्यूड एक दूसरे के लिए पॉजिटिव रहेगा तो ऑर्गेनाइजेशन जो होगी वो ज्यादा अच्छे से वर्क कर पाएगी। तो यहाँ पर वही उन्होंने कहा कि वर्कर ग्रुप एंड मैनेजमेंट ग्रुप शुड वर्क विथ हार्मोनी एंड अवॉइड डिस्कॉर्ड। यहाँ पर वर्कर और मैनेजमेंट जो है वो एक सेम डायरेक्शन में काम करेंगे एज देयर ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो होंगे वो एक डायरेक्शन में होंगे। प्रॉस्पेरिटी, क्योंकि यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉस्पेरिटी जो होती है वो डिपेंड करती है प्रॉस्पेरिटी ऑफ एम्प्लॉयर एज वेल एज एम्प्लॉयज। अगर एम्प्लॉयज अच्छा काम नहीं करेंगे, टारगेट समय पर पूरे नहीं होंगे, आपका ऑर्डर पूरा नहीं हो पाएगा, सेल घटे जाएगी, सेल घटने से ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान होगा, साथ में एम्प्लॉयर को भी नुकसान होगा। तो आपकी प्रॉस्पेरिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि आपके एम्प्लॉयज भी आपके साथ अच्छे से उनके साथ रिलेशन हो और वो समय पे काम करके दे, उससे ऑर्गेनाइजेशन की भी ग्रोथ होगी और एम्प्लॉयर की भी ग्रोथ होगी। इसलिए यहाँ पर दोनों के एटीट्यूड में चेंज लाने की सबसे ज्यादा जरूरत है और दोनों मिलजुल कर एक सेम डायरेक्शन में काम करें। अगला जो आता है वो कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म है, ये एक तरीके से जो है वो एक्सटेंशन है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड का। यहाँ पर हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड जो था उसमें था कि दोनों मिलकर एक सेम डायरेक्शन में काम करें। यहाँ पर जो होता है कि ये कोऑपरेशन में तो काम करेंगे मगर वहां पर जो होगा वो म्यूचुअल कॉन्फिडेंस और अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बेहतर होनी चाहिए। अगर आप वर्कर के लिए टारगेट सेट कर रहे हैं तो वर्कर के टारगेट सेट करने के लिए पहले आप उससे सलाह ले सकते हैं, उसे पूछ सकते हैं। या जैसा एक होता है कि पेरेंट्स हमसे एक समय के बाद 10th 11th में ऐसा नहीं होगा कि वो आपसे पूछेंगे, आपको टारगेट दे देंगे कि 90 स्कोर ही करना। आपसे पूछा जाता है कि आपका क्या टारगेट है, तो आप कहते हैं कि मान लीजिए आपने कहा 80%, तो 80% आपका टारगेट आपने खुद ने सेट करा है, तो आप उस टारगेट को अचीव करने के लिए ज़्यादा कोशिश करेंगे। लेकिन अगर पेरेंट्स ने बोले कि 90% लेकर आना है, ठीक है रिजल्ट नहीं हुआ तो नहीं ला पाए, उसके लिए क्या कर सकते, टारगेट तो आपने सेट करा था। तो वहां पर होता है कि हम अगर वर्क कंपनी की बात करें तो कंपनी में आप इंडिविजुअल की कैपेबिलिटी के हिसाब से या उसकी सलाह लेकर अगर उसके लिए टारगेट डिसाइड करेंगे तो वहां पर वो अपना पूरा एफर्ट देगा ताकि वो टारगेट अचीव हो सके। ये वैसा ही है लगभग जैसा हमने इनिशिएटिव पढ़ा है फेवर केस में, वैसा ही लगभग है कि आप उससे पूछकर अगर कुछ काम या सलाह लेंगे, सलाह लेकर अगर उसका टारगेट सेट करेंगे तो वो अपना 100% देगा और उससे जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट होगा। और ये भी है कि अगर वो टारगेट समय पर पूरा कर रहा है तो फिर कोऑपरेशन बनाने की जरूरत है। अगर ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हो रहा है तो उसका कुछ पार्ट जो है वो वहां पर कहीं ना कहीं आपको लेबर के साथ या वर्कर के साथ भी शेयर करने की जरूरत है। इससे दोनों में कोऑपरेशन बढ़ेगा और दोनों कोऑपरेशन के साथ मिलकर अगर काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतर होगा। लास्ट, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू देयर ग्रेटेस्ट इफिशियंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। अगर किसी भी, अभी हमने पढ़ा है कि प्रॉस्पेरिटी ऑर्गेनाइजेशन की डिपेंड करती है एम्प्लॉयर पर और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों पर डिपेंड करती है। तो आपके यहाँ पर अगर एम्प्लॉयज अच्छे हैं, आपके यहाँ स्किल्ड लेबर है, तो स्किल्ड लेबर जो होगी वो ज्यादा प्रोडक्शन करेगी, ज्यादा प्रोडक्शन करने से जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। और अगर ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है तो स्वाभाविक है कि वहां पर कहीं ना कहीं वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल होगा और बदले में स्वाभाविक है मेंबर्स या लेबर जो है उनको भी कुछ ना कुछ मिलेगा। तो यहाँ पर वर्कर को पूरा मौका दिया जाना चाहिए, इसको एक तरीके से ले सकते हैं कि अगर कोई आप लगातार हर साल एक क्लास पास करके नेक्स्ट क्लास में जा रहे हैं, मगर अगर किसी बच्चे का हो रहा है कि वो नहीं कर पा रहा है या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, वो एक ही क्लास में 2 या 3 साल हो गए, वो ऑटोमेटिकली उस जगह को छोड़ देगा या उस स्कूल को छोड़ देगा और वो या तो दूसरे स्कूल में चला जाएगा या किसी दूसरी फील्ड में शिफ्ट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको वहां पर अपने डेवलपमेंट के चांसेस नहीं दिख रहे। तो यहाँ पर वर्कर को पूरा डेवलपमेंट के चांसेस दिए जाने चाहिए, और वर्कर को चांसेस अगर आप दे रहे हैं, उसका डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बेनिफिशियल होगा। तो वही उन्होंने कहा है कि सबसे पहले तो आपका एम्प्लॉयज को, और ये जो है वो ऐसा नहीं है कि ओवर द पीरियड या ओवर द नाइट
ही आप इस काम को कर सकते हैं। ये जो है वो शुरुआत से होना चाहिए जब आप एम्प्लॉयज का सिलेक्शन करते हैं। सबसे पहले तो आप सिलेक्शन के टाइम पर आपका प्रोसेस जो होना चाहिए वो इतना अच्छा होना चाहिए कि आपको समझ में आ जाना चाहिए कि उनकी आपको जो एम्प्लॉय मिल रहे हैं वो काफी ज्यादा कैपेबल है। तो वहां पर आपको सबसे पहले तो जो है वो सिलेक्शन की जरूरत है कि आप साइंटिफिक बेस के पर एम्प्लॉयज का सिलेक्शन करो। उसके लिए जो भी आगे स्टाफिंग में आएगा सिलेक्शन का प्रोसेस जो भी होगा वो सारा डिटेल में दे रखा है कि किस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने एलिजिबल आपके पास कैंडिडेट आ रहे हैं। उसके बाद जब आपने सिलेक्शन कर लिया है तो उसको वर्क जो है उसकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से दिया जाना चाहिए। एलिजिबिलिटी अगर कोई एम्प्लॉय अगर हम बात करेंगे कोई व्यक्ति एक्सट्रोवर्ट है, लोगों से ज्यादा अच्छे से घुल मिल जाता है, जल्दी से उसका अपना कोऑर्डिनेशन अच्छे से बना लेता है, तो स्वाभाविक है उस व्यक्ति को आप जो है वो मार्केटिंग के लिए वो सूटेबल है। आप उसको फाइनेंस में डाल देंगे तो वो ढंग से काम नहीं कर पाएगा। कोई व्यक्ति जो है वो लगातार एक ही जगह पर बैठकर काम कर सकता है तो स्वाभाविक है वो फाइनेंस के लिए अच्छा है। तो एम्प्लॉय को जो है वो वर्क उसकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से दिया जाना चाहिए और उसकी कैपेसिटी के हिसाब से दिया जाना चाहिए। जब आपने वर्क अलॉट कर दिया तो उसके बाद जो होगा ट्रेनिंग शुड प्रोवाइड एम्प्लॉयज। आप लगातार एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देंगे और ट्रेनिंग अगर आपकी ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आपने सिलेक्शन कर लिया और उसको ट्रेनिंग दे दी वो उस काम को अच्छे से कर रहा है फिर आपने उसकी आप कुछ समय बाद क्योंकि नए नए टेक्नोलॉजी चेंज होते रहते हैं तो समय समय पर आपको अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देने की जरूरत होती है। क्योंकि अगर एम्प्लॉयज अगर ट्रेंड है तो वो कहीं ना कहीं इनकी इफिशियंसी बढ़ेगी और इफिशियंसी का फायदा जो होगा वो ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा। तो वहां पर आपको लगातार ट्रेनिंग दी जानी चाहिए सिलेक्शन के बाद भी और एक आध साल बाद या जब भी आपको लग रहा है कि वास्तव में यहाँ पर ट्रेनिंग की जरूरत है तो वो टेक्नोलॉजी में चेंज आया तो वहां पर अगर आप ट्रेनिंग देंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बेनिफिशियल होगा और एम्प्लॉय के लिए भी बेनिफिशियल होगा।